रायबरेली में त्योहारों पर कुछ मीठा हो जाने की चाहत में चीनी खरीदते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे। रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे ही दो चीनी विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिनके नमूने जांच में फेल हुए हैं। दरअसल इन चीनी विक्रेताओं ने बाजार से जो बोरा बंद चीनी खरीदी थी, उसके बोरों पर जानकारी आधी अधूरी छपी थी। दरअसल अलग अलग क्वालिटी की चीनी में सुक्रोज की मात्रा अलग अलग होती है, इसी के आधार पर चीनी का रेट भी अलग अलग होता है। मिल मालिक आधी अधूरी जानकारी छाप कर बोरों में अधो मानक चीनी भर देते हैं, जो कम रेट की होने के बावजूद ज्यादा में बेची जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के भरे गए नमूनों में जिन 13 नमूनों की जांच फेल हुई थी, उनमें ये चीनी का नमूना भी शामिल था। जांच में इसमें सुक्रोज की मात्रा कम आई थी। हालांकि निर्माता ने दोबारा उच्च लैब से जांच कराई तो मानक अनुरूप ही आए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लैब रिपोर्ट के आधार पर सुक्रोज की मात्रा का मामला ना लेते हुए बोरों पर आधी अधूरी जानकारी के मामले में दो चीनी विक्रेताओं समेत चीनी मिल पर मुकदमा दर्ज कराया है। मैं अजीत कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर फूड 2, जनपद रायबरेली। हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया जो हैं, एक्चुअली वो मिलावट पर रोकथाम हेतु ही बनाए गए हैं, लेकिन उसमें एक धारा ये भी है कि जो मानक होना चाहिए उस मानक के स्तर का ही खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाना चाहिए। चीनी के मामले में मिलावट का कोई इसमें संज्ञान नहीं आया है। हमारे दो नमूने संग्रहित हुए थे दो जगह से, उसमें सुक्रोज 99.5 से ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा कम था। ये स्टेट लैब का रिपोर्ट था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।